नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीपा वायरस के ऊपर। नीपा वायरस एक ऐसी समस्या जो हमारे भारत के कई राज्यों में फैलती जा रही है, खास करके केरला। केरल में ये एक भयानक महामारी की तरह इसने जन्म ले लिया है। अब नीपा वायरस दोस्तों क्या है, नीपा वायरस कैसे फैलता है, नीपा वायरस फैलने के क्या कारण हैं, नीपा वायरस अगर किसी को हुआ है तो उसके क्या लक्षण हैं और इससे बचाव क्या है, इसका इलाज संभव है या नहीं है, ये सब मैं बताऊंगा मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप अंत तक देखना ना भूलें। मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा केरल के एक राज्य के ऊपर, जिसमें केरल का एक ज़िला है कोझिकोड। उस ज़िले में नीपा वायरस ने आतंक मचा रखा है। समस्या इस हद तक आ गई है कि वहाँ के इस ज़िले के 17 लोगों से ज़्यादा की मौतें हो चुकी हैं, और जिस व्यक्ति या जिस मरीज को ये वायरस अपनी जद में लेता है उसको 24 घंटे के अंदर ऐसी कंडीशन में पहुंचा देता है कि उसको बचाना डॉक्टरों के बस की बात नहीं। और इस मरीज के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है, भाई बंधु परिवार समाज दोस्त यार, उन लोगों को भी ये वायरस छोड़ता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से पहुंच जाता है। और जो कोझिकोड ज़िले के 17 लोगों से अधिक लोगों की मौत हुई हैं, उनके संपर्क में जितने भी लोग हैं, उनके दोस्त परिवार रिश्तेदार मिलने वाले या कहीं जॉब करने वाले कर्मचारी, उन सब के जो संपर्क में व्यक्ति रहे हैं जिस समय उनको वायरस ने ग्रसित किया है, उन लोगों तक को डॉक्टरों ने अपने ऑब्जर्वेशन में रखा है। उन लोगों से किसी को मिलने नहीं दिया जाता है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताता हूँ कि ये वायरस कैसे फैलता है, सबसे पहले कहाँ पाया गया, और आज हमारे भारत में किन किन राज्यों में कहाँ कहाँ इसके वायरस के फैलने की उम्मीद है, या इसके ऊपर कुछ दवाई इजाद है या नहीं, इसकी वैक्सीन क्या आज मार्केट में मिल रही है या नहीं, इस सब के बारे में आपको बताऊँगा। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि नीपा वायरस क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक नीपा वायरस NIV एक ऐसा वायरस है जो जानवरों से इंसान में फैलता है और इंसान से एक गंभीर बीमारी की वजह बनता है। इस वायरस की मुख्य वजह फ्रूट्स बैट से मतलब यह है कि चमगादड़, जो आसानी से उड़कर पेड़ पे लगे फलों को खाते हैं, जिन्हें फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस वायरस की पहचान सबसे पहले मलेशिया में 1998 में हुई थी, कामपोंग संगई के नीपाह इलाके में हुई थी, जो कि मलेशिया में है। उस समय इस बीमारी में सुअरों के द्वारा वायरस सामने आए थे, और अभी सन 2001 में बांग्लादेश में ये वायरस सामने आया, जिसमें चमगादड़ों द्वारा ये बीमारी फैलने का बताया गया। नीपा वायरस के लक्षण, अब हम बात करेंगे नीपा वायरस के लक्षण क्या होते हैं। नीपा वायरस के लक्षण होते हैं दिमागी बुखार, सांस लेने में दिक्कत, भयानक सिर दर्द, और फिर बुखार में बेहोशी टाइप होना। दिमागी बुखार में हमारे ब्रेन का कोई हिस्सा जो जिसमें स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, इस बीमारी का हिस्सा है। यहाँ तक कि इस वायरस के होने के बाद व्यक्ति कोमा में आसानी से चला जाता है, और इसको होने के बाद में उस पेशेंट को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं कि नीपा वायरस फैलता कैसे है, नीपा वायरस फैलने की क्या वजह है। तो नीपा वायरस फैलता है संक्रमित चमगादड़ों से, चमगादड़ों के बाद में आता है संक्रमित सुअर, संक्रमित फलों, संक्रमित सब्जियों,
और संक्रमित फलों सब्जियों के खाने से इंसानों में और इंसानों के बाद कई लोगों में फैल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि निपा वायरस जब इतना खतरनाक है तो क्या उसकी दवाई नहीं है? जी हाँ, निपा वायरस की कोई दवाई नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इस पर रिसर्च कर रहा है कि कोई वैक्सीन निकले, कोई वैक्सीन इजाद हो, कोई वैक्सीन का आविष्कार हो, लेकिन अभी तक 1998 से लगाकर 2001 में सामने आया इसके वायरस, जिसके बाद में अभी केरला के कोझिकोड जिले में नज़र आए और भी कहीं जगह होंगे इसके वायरस के पेशेंट। जैसे जैसे लोग सामने आते जा रहे हैं, इस वायरस का डर लोगों में दहशत फैलता जा रहा है। धीरे धीरे हमारे मध्य प्रदेश में भी इस वायरस से लोगों को जागरूक करने के माध्यम से मेरा ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। तो इसकी वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है और इसका जो ट्रीटमेंट डॉक्टर लोग करते हैं, पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखकर मेडिकल काउंसिल करती है। तो दोस्तों, सिर्फ इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आज हमारे डॉक्टर कर रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को निपा वायरस के बारे में जानकारी मिले। आज हमारे देश में अंधविश्वास, झाड़ फूंक, देवी देवताओं के पास बैठक करवाना जाना और भी बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का समय पर इलाज मिल सके उससे पहले ही लोग दम तोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप सब करिए, लेकिन उससे पहले डॉक्टरों से सलाह लीजिए, डॉक्टरों के पास इलाज के लिए जाइए, डॉक्टरों की काउंसलिंग लीजिए। क्योंकि आज हमारे टेबल पर पेपर सुबह से शाम तक पड़ा रहता है, लेकिन हम मोबाइल के इस युग में मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ भी मोबाइल से मिलती हैं हमें, उसी में एक मेरा आज का ये वीडियो भी है। तो दोस्तों, खुद इस वीडियो के माध्यम से जागरूक बनिए और लोगों को भी इस निपाह वायरस से जागरूक कीजिए। हम बाज़ार से फ्रूट्स खरीदें तो चमगादड़ों या किसी के निशान लगे हुए फ्रूट्स ना खरीदें। सब्जियां खरीदें तो उसमें ध्यान रखें कि गलत सब्जियां, किसी की झूठी सब्जियां, किसी के काटने पीटने की सब्जियां, कटी पीटी सब्जियां, किसी के झूठी हुई सब्जियां, दांत लगी सब्जियां, फ्रूट्स, खास करके निपा वायरस में आता है खजूर का। खजूर आप कभी भी मत लीजिए, निपा वायरस खजूर से सबसे ज़्यादा फैलता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के तौर पर है, लोगों को जागरूक करने के तौर पर है। तो खुद भी जागरूक बनिए, खुद लोगों को जागरूक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे और भी दिलचस्प वीडियो जो समाज में बदलाव लाने के तौर पर काम आ सके, ऐसे वीडियो मैं और भी बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। इसी के साथ मैं कहता हूँ दोस्तों आपको धन्यवाद अंत तक देखने के लिए।